Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. Hanji, kal humne is lesson ke environment lesson ke MCQ aur very short answer type questions kiye the. I hope aapko samajh bhi aaye honge aur aapne apni notebook mein likhe honge. Ji haan, main request kar rahi hu aapse baar baar ki aap inko apni notebook mein zarur likhe. Aap iska screenshot lekar ya fir pause karke kaise bhi inko likhe taki aapki notebook टाइम पर मेंटेन हो सके और जब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो आपको ये सब दोबारा ना करना पड़े या एक दो स्टूडेंट पे ज़्यादा बर्डन ना आए. ठीक है, अगर आपने नहीं लिखे हो तो आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज इसे ज़रूर लिख लीजिएगा. इसीलिए आज मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस करवाऊँगी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, सिर्फ 4 करेंगे हम ताकि आप इनको भी टाइम से नोट कर सकें. ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आप लिख लेना इसके ऊपर. डिफ्रेंशिएट द नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचर ने हमें दिया है और मैन मेड इन्वायरमेंट जो मनुष्य ने खुद से क्रिएट किया है अपनी सुविधाओं के लिए, उसके बीच में हमें डिफरेंसेस बताने हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ऑल दोज थिंग्स दैट आर नेचुरली एग्जिस्टिंग अराउंड अस आर टुगेदर कॉल्ड नेचुरल इन्वायरमेंट. ये कहता है वो सब चीज़ें जो नेचुरली हमारे चारों तरफ हमारे यहाँ हैं, हमारे आसपास नेचुरली वो क्या होती है, हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होती है, उन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं उनको, नेचुरल इन्वायरमेंट. जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गई, ये सब हमें नेचुरल नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, और फर्स्ट मेन मैन मेड इन्वायरमेंट में फर्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट मेड बाई ह्यूमन बींग्स. ये कहता है कि इसमें हम इंक्लूड करते हैं उन चेंजेस और मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन को भी चेंजेस ही होता है, मतलब बदलाव करना मॉडिफिकेशन होता है, कि कुछ है उसमें थोड़ा और ऐड करके उसको चेंज कर देना. चेंजेस होते हैं बिल्कुल ही उसको चेंज कर देना, मॉडिफिकेशन होता है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर देना. ठीक है, इट इंक्लूड्स चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन, इसमें हम इंक्लूड करते हैं हर चेंजेस को और मॉडिफिकेशन को ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमने नेचुरल इन्वायरमेंट में किए हैं, मेड बाय ह्यूमन बींग्स. किसने किए हैं वो, ह्यूमन बींग्स ने. जैसे कि नेचर ने हमें पेड़ प्रोवाइड करवाए, पेड़ को हमने लकड़ी काट काट कर क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया. ठीक है, तो इसने क्या किया, हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, उसमें चेंजेस कर दिए. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है नेचुरल इन्वायरमेंट, प्लांट एनिमल्स लैंड एयर वाटर एक्सेट्रा आर कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट. जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लैंड है, एयर है, वाटर है, पानी है, ये सब हमारे क्या कंपोनेंट्स हैं, किसके, नेचुरल इन्वायरमेंट के. बिल्डिंग है, रोड्स हैं, पार्क हैं, ब्रिजेस, इंडस्ट्री, बुक्स, ये सब हमने क्या है बनाए हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट में. ठीक है, ये कौन से हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के कॉम्पोनेंट्स हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, डिफाइन द टर्म एटमोसफियर. एटमोसफियर को डिफाइन करें, इसके बारे में बताएं. राइट डाउन द यूजफुलनेस ऑफ द एटमोसफियर, हमारे लिए एटमोसफियर किस तरीके से ज़रूरी है. ठीक है, एटमोसफियर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. एटमोसफियर क्या था, हमने पढ़ा था जो पृथ्वी के अराउंड, इसके इर्द गिर्द एक क्या है, लेयर बनी हुई है, थिन लेयर, वो क्या होती है हमारी एटमोसफियर, क्या होता है वो हमारा एटमोसफियर. किस वजह से वो हमें पृथ्वी के चारों तरफ है बता सकते हैं आप, किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ठीक है, तो ये कहता है कि हमारे लिए इसका क्या उपयोग है, द एटमोसफियर एक्ट एज द थिक ब्लैंकेट. वैसे तो ये थिन लेयर है अगर हम इसे कहें, लेकिन इसने कहा है द एटमोसफियर एक्ट एज अ थिक ब्लैंकेट, लेकिन ये काम कैसा करती है कि ऐसे मोटे कंबल की तरह, ब्लैंकेट की तरह ये काम किए हैं, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, जो कि हमें क्या है सूर्य की हानिकारक किरणों से, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी की तरफ, उनसे हमें बचा कर रखती है. इट प्रोवाइड्स गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ जी, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, गैसेस प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी है, हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के लिए, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधों के लिए. ये क्या है हमारा एटमॉस्फेयर, दोनों को ही ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपकी क्यूरी रहती है तो आप क्या है कमेंट करके पूछ लीजिएगा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने खुद से लिखा है. ठीक है, वट डू, अगर आपको इसमें कोई भी स्पेलिंग या कुछ भी मिस्टेक लगे तो माफ़ कीजिएगा. वैसे मैंने कोशिश की है कि ना हो मिस्टेक, लेकिन होती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा. वट डू यू नो अबाउट द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, आप ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के बारे में क्या जानते हैं. हाँ जी बताइए, क्या जानते हैं आप,
क्या इन्वायरमेंट क्या होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, जो मनुष्य ने खुद से क्रिएट किया हो, किसके लिए, खुद की सुविधाओं के लिए। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट रेफर्स टू द चेंजेस इन नेचुरल इन्वायरमेंट, अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ के ही आए हैं, ठीक है। ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में चेंज किया गया है बाय ह्यूमन बींग, किसके द्वारा, ह्यूमन बींग के द्वारा। लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क, फर्नीचर, बुक्स एक्सेट्रा आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ये सब इसके मेन कंपोनेंट्स है। वही फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज़ जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, उसका ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो आप एक क्वेश्चन याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सो प्लीज़ साथ साथ कीजिएगा। मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट, मैन ने क्या किया है, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई किया है। जी मैंने अभी चेंजेस और मॉडिफाई में डिफरेंस बताया था। चेंजेस क्या होते हैं, एक उसकी बिल्कुल ही फॉर्म में चेंज कर देना। मॉडिफाई क्या होता है, उसमें जो है उसमें थोड़ा बहुत और चेंज कर देना, ठीक है। गिव रीजन टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में बताइए। ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ह्यूमन ने क्या किया, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दिया। जैसे कि नेचर ने हमें क्या बना दिया था, पेट्रोल दिया था, हमने गाड़ियाँ बना के उसको चेंज कर दिया, उसका एक अलग ही यूज़ ले आए, ठीक है। तो ये कहता है कि हमने अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल दे मेक कार, हमने क्या बना दिया, कार बना दिया। हमें लोहा हमारे नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाया था, ठीक है, हमें पेट्रोल नेचर ने प्रोवाइड करा, हमने क्या किया उसमें मॉडिफिकेशन करके उसका एक अलग सा यूज़ निकाल दिया, ठीक है। फैक्ट्रीज एसेट्रा दे क्रिएट सच थिंग, ये वो सब चीज़ें बनाते हैं बाय यूजिंग देयर स्किल, ठीक है। तो मनुष्य क्या करते हैं, अपनी स्किल का इस्तेमाल करके वो क्या है, उन सभी चीज़ों का एक नया यूज़ बनाते हैं, ठीक है। हमने अपनी स्किल का ही इस्तेमाल किया तभी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। अभी आज के लिए हमने ये 4 क्वेश्चन किए हैं, बहुत इजी हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, कोई मिस्टेक है तो माफ़ कीजिएगा, और आप प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।